रास्ते कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले, सपनों के लिए सांसले, सपनों के लिए जाते कैसे है करना बस जाना चाहते। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। So, hey guys, कैसे हो सारे? आई हो सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो मैं फिर से लेकर के हाजिर हूँ हमारे शैडो टीम मोड का और एक न्यू अपडेटेड वर्जन। और गाइस, ये होने वाला है हमारा शैडो टीम मोड न्यू एरा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका एक मैं न्यू एरा लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो ये फाइनली मैं लेकर के हाजिर हूँ। और इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, तो वहाँ से जाकर आप इजिली न्यू अपडेटेड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आसानी से यूज कर सकते हो। और हाँ गाइस, ये जो न्यू एरा है, अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, सो ये जो है आपका फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों में ही वर्क करेगा। मतलब नॉर्मल फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों में ही वर्क करेगा, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। इसका साइज ओनली 40 MB होने वाला है, मतलब 40 MB का ओनली ये मोड मेनू है। ज्यादा भी आपको यहाँ पर MB खर्च नहीं करना पड़ेगा, 400-500 MB लग जाते हैं एक मोड मेनू को डाउनलोड करने के लिए। बट हमारा जो मोड मेनू है ये गाइस ओनली 40 MB का है, 40 MB का है गाइस। आप इजिली इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, बट हाँ गाइस, इसको आपको अपने गेस्ट आईडी में ही यूज करना है। एंड गाइस, अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो देखो यार, यहाँ पर आपको ऑटो हेडशॉट, ऑटो एमबॉट और स्कोप एमलॉक देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आपको एनिमी लोकेशन के लिए लेजर देखने को मिल रहा है और होलोग्राफिक बॉडी लोकेशन देखने को मिल रहा है, जिससे आप एनिमी को इजीली लोकेट कर पाओगे और किल कर पाओगे। तो यार, आपको कैसे यहाँ पर इस वाले ऐप को यूज करना है, क्या कुछ इसके अंदर एनेबल वगैरह आपको करना है, सब कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको इंस्टॉल करके साइन अप करने के बाद आपको 800 रुपए तक का रिडीम कोड मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको कैसे करना है आप देखिए। तो गाइस, अगर आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर देना है आपको, यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगा और उसके बाद ऊपर आपके सामने एक ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद नीचे आपको व्हाइट से यहाँ पर साइन अप देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अपने नंबर को यहाँ पर डाल देना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो OTP आएगा नंबर पर, उसको डाल देना है और अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना और अपना नाम डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पर साइन अप करने के कुछ देर बाद आपके नंबर पर 800 रुपए का रिडीम कोड आ जाएगा। ओके, सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था आपको कैसे यूज करना है हमारे शैडो टीम मोड न्यू एरा को, तो कैसे क्या कुछ आपको करना है सब कुछ मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को देखते रहिए। और हाँ गाइस, इस मोड का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजिली इसको डाउनलोड कर लो। सो डाउनलोड करने के बाद कैसे यूज करना है, सो चलिए आपको बता देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो ये देख सकते हो, ये रहा हमारा शैडो टीम मोड न्यू एरा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लो और मोबाइल पर इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे, सो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर ये थोड़ा सा जस्ट लोडिंग होगा एंड उसके बाद गाइस आपके सामने अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपल से आपके यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। और गाइस, यहाँ पर आपका अगर एंड्रॉइड 12 या फिर 13 होगा, सिंपल से यहाँ पर यूज दिस फोल्डर करके अलाउ कर देना है। फिर गाइस आपके ऊपर मांगेगा डिस्प्ले ओवर परमिशन। सो देखो, यहाँ पर आपको सिंपल से इस वाले ऐप को ढूंढना है, शैडो टीम मोड न्यू एरा V1, और गाइस उसके बाद उसको अलाउ कर देना है। यहाँ पर एलवेस कर देता हूँ मैं। अगर आपका इनेबल का ऑप्शन आता है तो आपको इनेबल कर देना है। सबके में अलग अलग ये ऐसा डिस्प्ले परमिशन मांगता है, ठीक है, तो आपको इसको इनेबल करना है और बैक करना है। सो देखो यार, यहाँ पर आपको एक बूस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इससे आप मोबाइल को बूस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मैच मेकिंग प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर इस वाले वीडियो को आपको फुल देख लेना है, जिससे आप यहाँ पर ब्लैकलिस्ट प्रॉब्लम को बिल्कुल फिक्स कर पाओगे और गाइस मैच मेकिंग प्रॉब्लम को भी फिक्स कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले ऐप को कैसे यूज करना है। सो देखो, ये फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों में ही वर्क करेगा। आप जो भी खेलते हो उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर मेरे पास फ्री फायर मैक्स है, तो मैं फ्री फायर मैक्स पर क्लिक करूंगा। तो इस पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा, आपको यूज दिस फोल्डर करके अलाउ कर देना है। और गाइस फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर बिटरेट चूज करने के लिए कहेगा, सिलेक्ट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले देखना है आपके डिवाइस का बिटरेट क्या है। यहाँ पर देख सकते हो बिटरेट लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा 64 दिखा रहा है, देख सकते हो। एंड गाइस, अगर आपका 64 से नीचे दिखाता है ना, 32, 7, तो आपको क्या करना है, 32 पे क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा 64 है, तो मैं 64 पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ये इंजेक्ट होने लग जाएगा और ये बहुत ही जल्द आपका इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, इंजेक्ट होने के बाद गाइस आपको थोड़ी देर वेट करना है। एंड ऊपर आपको देख सकते हो एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही सारा माल पानी आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। यहां से सब कुछ आपको इनेबल कर लेना है, ठीक है। सब कुछ मतलब गाइस सब कुछ आपको इनेबल करना है, जिससे ये प्रॉपर आपका वर्क करेगा। और उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, यहां पर ओपन गेम पर क्लिक करना। यहाँ पर देख सकते हो ये जो ओपन गेम है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या ओपन करना है देख लो, फ्री फायर नॉर्मल ओपन करना है या फिर फ्री फायर मैक्स ओपन करना है, तो जो भी ओपन करना है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से गेम आपका ओपन
हो जाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे यूज करना है हमारे शेरोडी मोड न्यू एरा को। सो यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है, जाकर यार फटाक से डाउनलोड करो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो जाओ जाके डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद यूज करो। कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और मैं बोलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।